सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल सेहत और पैसा और दबाएं बेल बटन, यह बिल्कुल फ्री है ताकि आप देख पाएं हमारे वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन उप्पल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेहत और पैसा। दोस्तों, एक्सरे टेक्नीशियन बनकर एक बहुत ही अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है। एक्सरे टेक्नीशियन की बहुत भारी डिमांड है जो समय के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में लगातार तरक्की हो रही है। अगर आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन की डिग्री या डिप्लोमा है तो नौकरियों की कोई कमी नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन की डिमांड विदेशों में भी बहुत है, तो अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा, सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको एक्सरे टेक्नीशियन करियर के बारे में, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स के बारे में और एक्सरे टेक्नीशियन सैलरी के बारे में और हाउ टू बिकम अ एक्सरे टेक्नीशियन। तो दोस्तों, एक्सरे टेक्नीशियन बनने के लिए आप तीन तरह के कोर्स कर सकते हैं। आप डिग्री कर सकते हैं जो कि 3 साल की होती है, आप डिप्लोमा कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है, और आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं जो कि 1 साल का होता है। डिग्री करने के लिए और डिप्लोमा करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह है 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ। और अगर आप 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो इसको आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद भी आपको तुरंत एंट्री लेवल की जॉब मिल जाती है और बाद में आप डिप्लोमा या डिग्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाद में और तरक्की करना चाहते हैं, मैनेजर लेवल की जॉब करना चाहते हैं या अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिप्लोमा या डिग्री ही अच्छी रहेगी। इन कोर्स को करने की जो फीस है वह कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। 1 साल के कोर्स की फीस 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में, 2 साल के डिप्लोमा की फीस 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में, और 3 साल की डिग्री की फीस 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में। कोर्स करने के बाद प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इंडिया में जॉब करने पर स्टार्टिंग सैलरी 7,000 से लेकर 10,000 तक आराम से मिल जाती है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी बढ़ती जाती है, 25,000 से लेकर 30,000 तक आराम से सैलरी मिल जाती है। और अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब मिल जाती है तो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।